हेलो फ्रेंड्स, दिस कुशाग्र, वेलकम टू कुशाग्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि एक्सरसाइज ये चैप्टर है थर्ड, उसमें 3.1 एक्सरसाइज नहीं आ रही है। ये जो बोर्ड एग्जाम होंगे 2023 टू 2024 वाले में, ये 3.1 एक्सरसाइज नहीं आ रही है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर की मैंने बताई दी थी डिलीट कौन सी है, 1.1 और 1.4, ठीक है। और सेकंड चैप्टर की कौन सी है, 2.3 और 2.4, ठीक है। अब इसमें 3.2 कर लेते हैं हम का क्वेश्चन नंबर। अब तो मैं उसी हिसाब से उड़ी लाऊंगा नए एग्जाम के हिसाब से, जो अब एग्जाम होंगे उसमें जो एक्सरसाइज आएंगी उसके हिसाब से, ठीक है। देखिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ये क्या है, हमें एक इक्वेशन ये दे रखी है और हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है एक, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसका क्या होना चाहिए, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, दूसरा पैरेलल लाइन होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए लाइंस, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है, तो हम वही वाला ए इज़ नॉट इक्वल इज इक्वल टू a1 upon a2 नॉट इक्वल होगा, सब जब सारे जब नॉट इक्वल होंगे तो ये इंटरसेक्टिंग, जब एक इक्वल होगा और एक नहीं होगा तो पैरेलल, सारे इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये दे रखी है और दूसरी क्या बनाते हैं, यहाँ पे 3x कर लेते हैं, चाहे या 3x नहीं करेंगे तो 5x कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3y दे रखा है यहाँ पे, 3y दे रखा है तो क्या कर लेंगे यहाँ पे हम 4 नहीं चाहे 9 कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ 7 ले लेते हैं, चाहे 7y, और माइनस यहाँ पे ले लेते हैं हम 9 = 0। तो ये एक क्वेश्चन बनेगी। अब इसे करते देखते हैं, वही वाले फॉर्मूला 2/5 आ जाएगा, यहाँ पे 3/7 आ जाएगा, यहाँ पे -8/-9 आ जाएगा, ये कट, ठीक है। तो ये क्या इक्वल हो रहा है, ये इक्वल इसके नहीं, ये इक्वल इसके नहीं। तो एक क्वेश्चन हमारी ये बनाई, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये किसके है, इंटरसेक्टिंग लाइन की, और इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी बन गई, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है किसकी, अब पैरेलल लाइन जो हो जाए, तो ऐसा क्या करके देखते हैं। चलिए, ये तो हो गई फर्स्ट वाली, अब सेकंड वाले में क्या बनाते हैं हम, पैरेलल हूँ तो 2/ क्या कर लेते हैं, 8x, यहाँ पे 8x कर लेते हैं, यहाँ पे 12y करते हैं, तो यहाँ पे 8/ यहाँ पे 16 कर लेते हैं, चाहे ये आ जाएगा। अब इसे करते देखते हैं, 2/8 और यहाँ पे 3/12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8/-16। तो ये कट रहा है, 8 × 8 और 8 × 2 = 16, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 2 × 2 = 4 = 8। तो 1/4 इक्वल तो है 1/4 के, मगर इक्वल नहीं है 1/4 इसके 1/2 के, 1/2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैसी लाइन हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल की इक्वेशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये पैरेलल की इक्वेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्या, कोइंसिडेंट पर, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट की क्या इक्वेशन बनाएंगे हम। तो कोइंसिडेंट की क्या, पहले 8x कराता है, यहाँ पे क्या रहा है 12y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 36, क्यों, अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये कट रहा था क्या, 1/1 यहाँ पे ये आ रहा था, और जब ये कट रहा था तो यह आ रहा था 1/4, फिर अब ये कटेगा तो 1/4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 इक्वल है 1/4 के, फिर 1/4 भी 1/4 के इक्वल है, जब तीनों इक्वल आ गए तो क्या आ जाता है, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइन भी क्लियर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन कोइंसिडेंट लाइन की ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो ये थी आज के वीडियो, इसमें हमने क्या पढ़ा, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ।